हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए गेहूं की लापसी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे स्पेशल कड़ी के साथ बनाया जाता है। तो लापसी के साथ आज हम कड़ी भी बनाएंगे। लापसी गेहूं के मोटे दलिये से बनाई जाती है, जिसे फाड़ा भी कहते हैं। ये राजस्थान की स्पेशल डिश है, जिसे शुभ और मांगलिक अवसर पर भी बनाया जाता है। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लापसी बनाने के लिए मोटा दलिया यूज़ किया जाता है, तो ये मैंने मोटा दलिया लिया है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। कुकर में 2 बड़े चम्मच घी लेंगे, इसमें हम दलिया डालेंगे, तो ये मैंने 1 कप दलिया लिया है और ये 1/2 कप, मतलब ये मैंने 1.5 कप दलिया लिया है और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए दलिये का कलर एकदम ब्राउन हो गया है, तो हमें इसे इसी स्टेज तक ही भूनना है। अब हम इसमें 5 कप पानी डालेंगे, तो जिस कप से मैंने दलिया लिया था उसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इसका ढक्कन लगा के हम दलिया को अच्छे से पका लेंगे। अभी गैस की फ्लेम को हमें तेज ही रखना है। 1 सीटी आ गई है, अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और फिर गैस की फ्लेम तेज करके हम 4 सीटी लेकर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। दलिया पक रहा है, तब तक हम कड़ी बना लेते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप दही लिया है, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम दही लिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे, अगर आप कप से डाल रहे हैं तो 1/4 कप इसमें बेसन डालें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम 2 बड़े चम्मच घी लेंगे, जैसे ही घी गर्म होगा इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे इसमें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। जो हमने दही और बेसन का घोल बनाया था वो डाल देंगे और 1 कप पानी हम इसमें और डाल देंगे, मतलब मैंने इसमें टोटल 2 कप पानी डाला है। और अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच अदरक, इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। इसका टेस्ट कड़ी में बहुत अच्छा आता है, तो आप ये ज़रूर डालें और आप जितना ज़्यादा हो सके उतना इसमें डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी में। कड़ी को आप इस तरह से हिलाते रहें जब तक इसमें उबाल ना आए, क्योंकि अगर आप इसे हिलाएंगे नहीं तो आपकी कड़ी फट सकती है, तो आप इसे कंटिन्यू इस तरह से हिलाते रहें। ये देखिए कड़ी में उबाल आ गया है, तो हम इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। कड़ी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। मैंने कड़ी पत्ते को धागे से बांध कर डाला था ताकि बाद में इसे हम आसानी से निकाल सकें। ये देखिए दलिया बहुत अच्छे से पक चुका है, आप दलिये को इस तरह से उंगली से दबा कर देखें, ये जैसे ही आप दबाएंगे ये मैश हो जाएगा, तो मतलब दलिया आपका बहुत अच्छे से पक चुका है। कढ़ाई में मैंने 1/4 कप घी लिया है, मतलब 4 चम्मच घी लिया है मैंने, और इसमें अब हम दलिया डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसे हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम आपको लो ही रखना है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, तो जिस कप से मैंने दलिया लिया था उसी कप से मैं शक्कर डाल रही हूँ, तो 1.5 कप मैंने दलिया लिया था और 1.5 कप ही मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें कलर और टेस्ट के लिए थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह हल्का सा केसर वाला कलर भी डाल सकते हैं। लापसी में किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब जो लापसी में शक्कर ने पानी छोड़ा है उसे हमें सुखाना है, तो हम मीडियम टू हाई फ्लेम करके शक्कर के पानी को सुखा लेंगे। टेस्ट के लिए इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए लापसी ने सारा पानी शक्कर का सोख लिया है और घी छोड़ दिया है। ये देखिए लापसी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, मतलब हमारी लापसी एकदम परफेक्ट बनी है। घी इसमें इतना ही होना चाहिए कि आपकी लापसी चिपके नहीं। लापसी तैयार हो गई है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे।